डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब क्लास। अब हम सबसे पहले एडवर्ब क्लास के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। अब देखते हैं जी, एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो ना सिर्फ किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है बल्कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब है क्या, देखते हैं जी। एडवर्ब क्लास की निशानी ये होती है, एडवर्ब क्लास बिगिंस विद सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एडवर्ब क्लास जो है वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होते हैं। अब कंजंक्शन क्या होते हैं असल में? कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कंजंक्शन आर जॉइनिंग, यानी कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो क्लाजेस को आपस में मिलाते हैं। कंजंक्शंस आर यूज टू जॉइन टू क्लाजेस आर टू सेंटेंसेज, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको माइंड में रखना है आपने कि कंजंक्शंस आर द वर्ड विच आर यूज टू जॉइन टू क्लाजेस आर टू सेंटेंसेज। अब ये है कि एडवर्ब क्लास क्या होगा, अब वो तो कंजंक्शन होगा यानी दो क्लासेस को मिलाने वाले। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एडवर्ब क्लास वो होगा, उसकी निशानी ये होगी जो कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। यानी एडवर्ब क्लास बिगिंस विद सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, यानी एडवर्ब क्लास होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। अब देखते हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसमें शामिल है जी इफ़, बिकॉज, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, देयरफॉर एक्सेट्रा। अब इन वर्ड्स के साथ जो स्टार्ट होंगे, मतलब है कि क्लासेस, उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लास। अब देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, देखें कि कंजंक्शन जॉइन टू क्लासेस आर सेंटेंसेस, कि यानी कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। अब जी, सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस जॉइन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट क्लास। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको माइंड में रखना है कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लाजेस को आपस में मिलाते हैं, उनको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस जॉइन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट क्लाजेस। अब उसमें एक क्लाज जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, एक क्लाज उसमें इनडिपेंडेंट होगा। इनडिपेंडेंट पहले भी आ सकता है या डिपेंडेंट भी पहले आ सकता है और इनडिपेंडेंट बाद में आ सकता है, तो इस तरह हम उनको देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। You will succeed, तुम कामयाब हो जाओगे if you work hard। अब इस example को गौर से देखना है। You will succeed if you work hard, कि तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। अब depend किया जा रहा है किस चीज़ के ऊपर, कि अगर तुम मेहनत करोगे, तो ये इस चीज़ पे depend किया जा रहा है। अब ये जो है इफ़ जो है इन दो sentences को आपस में clauses को मिला रहा है। ये पहला clause है You will succeed, तुम कामयाब हो जाओगे। इट मीन्स अब ये जो था ये इनडिपेंडेंट क्लाज है। अब डिपेंड किस चीज़ पे किया जा रहा है, कि अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये है डिपेंडेंट क्लाज। अब ये था डिपेंडेंट क्लाज, ये है इनडिपेंडेंट क्लाज। हमारी ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई कि यानी एडवर्ब क्लाजेस वो होंगे जिसमें दो किस्म के क्लाज होंगे, एक डिपेंडेंट क्लाज होगा, दूसरा इनडिपेंडेंट क्लाज होगा, और इनको मिलाने वाले जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? कंजंक्शन होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कंजंक्शन के बाद जो फिक्रे का जो क्लाज होगा, कंजंक्शन के बाद जो क्लाज होगा उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लाज। यह है इम्पॉर्टेंट बात कि यानी कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन के बाद यानी कंजंक्शन आ जॉइनिंग वर्ड्स जो मिला रहा है उनको, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद जो मतलब क्लास होगा उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लास। अब ये बात याद रखनी है आपने। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, वेट अंटिल आई टर्न। अब इसमें भी ये बात हमें वाजे नज़र आ रही है कि वेट, इंतज़ार करो, अंटिल आई रिटर्न। अब अंटिल जो है दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है। अब इसमें अंटिल क्या होगा? कंजंक्शन होगा। अब इसको हम कहेंगे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो क्लाज है ये है डिपेंडेंट क्लाज। अब डिपेंडेंट क्लाज जो था ये है आई रिटर्न, और ये था इनडिपेंडेंट क्लाज। अब हमें ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि एडवर्ब क्लाजेस वो होंगे जो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लाजी पर मुश्तमिल होंगे, और जो एडवर्ब क्लाज होगा वो स्टार्ट होगा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। अब इसी तरह से अगले एग्जाम्पल देखते हैं।
ही फेल्ड इन एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. ही फेल्ड इन एग्जाम ये एक क्लाज है यहाँ तक एग्जाम तक. दूसरा क्लाज है जी ही डिड नॉट वर्क हार्ड. अब इन दोनों क्लाजेस को आपस में मिलाने वाला जो वर्ड है वो है बिकॉज. अब ये बिकॉज यहाँ पे क्या है, बिकॉज को हम कहेंगे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन और इसके बाद जो फिक्र का जो हिस्सा रहेंगे जो क्लाज आ रहा है उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लाज. अब ये तीनों एग्जांपल के साथ मैंने इसको प्रूव कर दिया. अब इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहली बात आपने याद रखनी है एडवर्ब क्लाज की निशानी क्या होगी. एडवर्ब क्लाज की निशानी ये होगी कि एडवर्ब क्लाज जो होगा वो दो ऐसे क्लाजेस पर मुश्तमिल होगी जिसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लाज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लाज होगा. यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट क्लाज होगा. इंडिपेंडेंट भी पहले आ सकता है, डिपेंडेंट भी पहले आ सकता है. अब उन दोनों वर्ड्स को मिलाने वाले जो दोनों क्लाजों को मिलाने वाले जो वर्ड्स होंगे वो होंगे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन. और सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो क्लाज होगा उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लाज. उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम डिस्कस कुछ नया डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.